हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ मैं अपना टमाटर का खेती। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ तक गया है हम लोगों का जो ये पट्टी है, और वहाँ से लेकर फिर यहाँ तक है, आप लोग देख सकते हैं इधर। और फिर इधर हम लोग बाद में रोपाई किए हैं, जो छोटा छोटा पौधा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आगे में आलू दिखाई दे रहा है, और इधर मिर्च का नर्सरी तैयार किए थे, और इधर भी देखिए पौधे, इधर के पौधों की रोपाई किए हुए लगभग बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लगभग लगभग 2 महीना होने को जा रहा है, और इधर के पौधों की रोपाई किए हुए लगभग बताऊँ तो 23 फरवरी को रोपाई किए थे इधर के पौधों को, तो इतना बढ़ चुका है आप लोग देख सकते हैं। और इधर के पौधों को लगभग हम लोग 15 फरवरी को रोपाई किए थे, तो आप लोग देख सकते हैं इधर का पौधा कितना बढ़ चुका है, कुछ इस प्रकार से आप लोग देखिए। चलिए एक पौधे को आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखा देता हूं। तो यह काफ़ी ऊंचा हो चुका है, लगभग मेरे कमर तक ऊंचा हो चुका है। तो किसान साथियों, आप लोग एक पौधे को देखिए, तो इसमें देख सकते हैं फूल फल भी आने लगे हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। ये देखिए फूल भी आ रहा है, फल भी आ रहा है, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो ये काफ़ी बड़ा पौधा है, पौधे से पौधे की दूरी बहुत कम थी, इसीलिए बहुत सारे पौधे एक जगह ही जमा हो गए हैं, कुछ इस प्रकार से सट गए हैं, और तेज़ हवा के कारण पौधे गिर जा रहे थे, इसीलिए हम लोग झांकी लगा दिए हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं सूखे सूखे झांकी। और इधर भी हम लोगों को झांकी लगाना है, इधर का पौधा भी काफ़ी बढ़ चुका है, तेज़ हवा आएगा तो इधर के पौधे भी गिर जाएंगे, और इधर के पौधों में भी लगाना है। तो अभी तक तो मैं किसी भी प्रकार के कीटनाशक या फिर फंगिसाइड का प्रयोग नहीं किया हूँ टमाटर के अपनी खेती में, लेकिन मैं जल्द ही करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्यों करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पौधों में लीफ माइनर लग चुका है। हाँ, ये देखिए इसका जो पत्ती है, इसमें सफ़ेद कलर का आप लोग देख सकते हैं कुछ लाइन टाइप से बन चुका है, जो कि कीड़ा के द्वारा भोजन कर लिया गया है वहाँ के एरिया को, इसलिए वहाँ का एरिया सूख चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें मैं सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करने वाला, यानी कि सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने वाला कीटनाशक का प्रयोग करूँगा, और फंगिसाइड का भी प्रयोग करूँगा, तभी तो ज़्यादा दिन तक चलेगा अपना टमाटर का खेती है, नहीं तो 1-2 तुड़ाई के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो क्या ही फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में किसान साथियों इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जब फल पकने लगेंगे, और फल जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो भी आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर दिखाऊंगा।